के लिए आपको इस नुस्खे पर अमल करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, क्लींजिंग जिल्द की सफाई के लिए बहुत जरूरी है। सारे दिन काम काज के बाद जिल्द को सफाई की बहुत जरूरत होती है, ताकि इस पर जमी हुई चिकनाई और मिट्टी साफ की जाए। आप कुदरती अशिया का इस्तेमाल करके जिल्द की सफाई कर सकते हैं। अंडे की जर्दी में जिल्द साफ करने की खसूसियात मौजूद होती हैं। अंडे की जर्दी लें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद रुई की मदद से इसको पूरे चेहरे पर लगाएं। जब ये खुश्क हो जाए तो चेहरे को ताज़ा पानी से धो लें। हफ्ते में 3 बार इसका इस्तेमाल करें। चेहरे की जिल्द इंतहाई खूबसूरत नरम मुलायम हो जाएगी। इसके अलावा आप शहद और लींबू से भी अपने चेहरे को साफ कर सकते हैं। शहद और लींबू में चेहरे को साफ करने की खासियत मौजूद होती है। लींबू और शहद को बराबर मिकदार में लेकर आपने मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपने इसको अपने चेहरे पर लगा लेना है और 20 मिनट इसको लगे रहने देना है। इसके बाद आप अपना चेहरा धो लें। इस टोटके को हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करें। 1 महीने में चेहरा एकदम फ्रेश और चमकदार हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, रंग गोरा करने के लिए बाजारी क्रीमों का इस्तेमाल मत करें। इससे वक्ती तौर पर तो आपका रंग गोरा हो जाता है, लेकिन जैसे ही इसका इस्तेमाल आप छोड़ देते हैं तो चेहरे पर काफी बदनुमा निशान और दाने निकल आते हैं। इसलिए घरेलू टोटकों का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे रंग भी गोरा होता है और जिल्द भी जवान रहती है। और फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हैं तो इन टोटकों का आप रेगुलर इस्तेमाल करते रहें तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। एक दफा या दो दफा के इस्तेमाल से आपको कोई खास रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और आप बोलेंगे कि ये ऐसे ही था, कि हमने ये वीडियो सिर्फ ऐसे ही अपलोड की। लेकिन नहीं, जब तक आप इन चीजों को रेगुलर अपने यूज में लेकर आएंगे तो ही आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये टोटका पसंद आया होगा और आपके लिए मददगार भी होगा। अगर आप चाहते हैं हमारी हर नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहे तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करना मत भूलें। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँच